दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जिसका साइज़ है आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा प्लान। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेहतरीन मिलता है। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपके लिए देखिएगा। जो आज मैंने क्रिएट किया है हाउस, ये एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको यूनिक देखने को मिलेगा। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे आज हम पूरा, जिसका साइज 36x36 में मैंने क्रिएट किया है। 36x36 फीट में ये पूरा मॉडल बना हुआ है। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूं झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको नए नए अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं जो आप देख कर बनवा सकते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो यहाँ पर एक बार विजिट करें जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए घर बनवाने का। तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें घर बनवाने से पहले, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपना घर डिज़ाइन करा पाएँ। तो आज का जो मॉडल है 36x36 जिसमें फ्रंट एलिवेशन बेहतरीन सा देखने को मिलता है और आपको 3 बेडरूम्स हाउस प्लान मिलता है, किचन लेट बाथ बेहतरीन सा पूरा डिज़ाइन मिलेगा, इसी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर ये देख सकते हैं पहले 2 पिलर बने हैं, उसमें ये आपका फ्रंट में स्टाइलिश बीम जो कि डिजाइनिंग बना हुआ है। और मैंने यहाँ पर कुछ देखिए पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर साइड में, और इधर भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। फ्रंट में आपकी स्टेयर से जहाँ से ऊपर जाएंगे और आगे आपको एक पोर्च मिलता है बेहतरीन से डिज़ाइन पोर्च का देखिएगा। मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे, दोनों साइड बेडरूम है इसलिए मैंने विंडो दी है। आप मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं पोर्च के माध्यम से तो आपको सबसे पहले एक मिल जाता है हॉल टाइप का, ये देखिएगा बड़ा सा हॉल। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं जो कि 2 काफ़ी बड़े बड़े बेडरूम हैं। ज़्यादा मैंने यहाँ पर चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं क्योंकि एक सिंपल सा और बेहतरीन सा मॉडल क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है। इधर राइट हैंड कॉर्नर पर एक बेडरूम मिलता है और राइट हैंड कॉर्नर पर फ्रंट में आपका देखिए किचन है। तो मैंने किचन बनाया, सबसे आगे बनाया जिसमें वेंटिलेशन होता रहे, और इस किचन के साइड से एक गैलरी सी गई, उसके जस्ट पीछे आपका लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया। ये देखिएगा लंबा सा लेट एंड बाथ खूब बड़ा सा, और फ्रंट में आपका किचन है, और ये आपकी स्टेयर से जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर वापस आ जाएंगे। तो ओवरऑल 3 बेडरूम के साथ पोर्च के साथ आपका एक घर बना हुआ है 36x36 फीट में, जिसमें किचन लेट बाथ फ्रंट एलिवेशन का जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलता है। मैं और जूम करके दिखाता हूँ इसे, आप इसका रियलिस्टिक व्यू समझ पाएँ, प्रॉपर तरीके से इसका डिज़ाइन समझ पाएँ। ये देखिएगा जो डिज़ाइन यहाँ पर मैंने कुछ जो छज्जा टाइप का निकला उसमें भी पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं, इसमें आपको एक बेहतरीन घर देखने को मिले। ये देखिएगा एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बेहतरीन सा घर ग्राउंड फ्लोर बनकर आपका रेडी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 फीट का चारों तरफ बाउंड्री, और इसमें ब्लैक कलर की देखिएगा ये विंडो टाइप का मैंने इसमें कट किया है जिससे आपका घर का लुक और बेहतरीन लगने लगता है। तो चारों तरफ ये मैंने ग्रिल इस्तेमाल किए बेहतरीन सा, लास्ट में पीछे गुमटी बनाए और जो स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए। तो ओवरऑल 36x36 फीट में ये मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, जिसमें आपको बेहतरीन सा पोर्च डिज़ाइन बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ, आप लाइक और शेयर करके आप हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं, साथ कमेंट करके बता सकते हैं घर आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।